जिसने भारत को वैदिक ज्ञान, वर्तमान और भावी पीढ़ी को लिपिबद्ध करके दिया है। भारत की 88,000 ऋषियों की साधना और तप से पवित्र हुई भूमि महर्षि दधीचि के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अस्तिदान करने की पावन धरा और सती ने अपने जेवा को जिस धरती पर समर्पित किया था, ऐसे मां ललिता की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी विश्व के मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, जिला के प्रभारी श्री नीरज सिंह जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी, और मुझे प्रसन्नता है कि राकेश राठौर आज स्वयं ही समर्थन देने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी राकेश राठौर जी, एमएलसी श्री पवन सिंह चौहान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री निर्मल वर्मा जी, माननीय विधायक गण श्री श्रीमती आशा मौर्य जी, श्री मनीष रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा सागर जी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी, और यहां पर उपस्थित जिनके इस कार्यक्रम में आप यहां पर जिनके इस प्रांगण में आप उपस्थित हैं, ऐसे यहां के प्रमुख समाज सेवी श्री शरद चौधरी जी, रेडको खेतान से जुड़े हुए उनके सभी अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रनायक स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महाराणा प्रताप की पावन जयंती है। आज इस पावन जयंती पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, चौथे चरण में आपको भी मतदान करना है। तीन चरण संपन्न हो चुके हैं, यानी आधा चुनाव संपन्न हो गया है। आधा चुनाव संपन्न होने का मतलब अब परिणाम के रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और पहली बार है कि पहली बार यह दिखाई दे रहा है कि तीन चरणों के चुनाव के बाद पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। मोदी सरकार के बारे में लोगों के मन में एक भाव है, बहनों और भाइयों, ये भाव इसलिए भी है क्योंकि जनता जनार्दन इस बात को जानती है और उनके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, ये होना भी है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है, और वह एक स्वर से बोल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और दूसरी तरफ राम द्रोही है। वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी।
तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा क्या? क्या लाहौर और कराची में बनेगा क्या? अरे अयोध्या तो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है और कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था की भूमि है, हमारा पवित्र धाम है। बहनों और भाइयों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग अयोध्या गए हैं राम मंदिर बनने के बाद? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या में गए हैं। लेकिन जो लोग बचे होंगे, मैं यहां के विधायक निर्मल वर्मा जी को, पवन चौहान जी को और राजेश वर्मा जी से कहूंगा, बाकी लोगों को लेकर एक बार फिर से अयोध्या का दर्शन करवा दीजिए। आज की अयोध्या को अगर आप देखेंगे ना, आपको त्रेता युग का रामायण काल याद आ जाएगा कि भगवान राम के समय में अयोध्या ऐसे सुंदर रही होगी। और काशी में चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सतयुग सामने आ गया, साक्षात सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हम लोग यहां पर नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य के लिए भी ऐसी बड़ी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ चुके हैं। नैमिषारण्य के विकास का मतलब ढेर सारे विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ना, 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां पे यात्री विश्रामालय बनेंगे, गोमती नदी का रिवर फ्रंट के रूप में डेवलपमेंट होगा, मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा, वहां अंदर पे हरेक व्यापारी को पुनर्वास की बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी, नए होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक बस की सेवा के साथ लखनऊ के साथ जुड़ने जो सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ भी हम जोड़ने जा रहे हैं। सीधे हेलीकॉप्टर से लोग पहुंच करके जिसको भी आना है आराम से आ जा सकता है। और धीरे धीरे करके मेट्रो भी लखनऊ से बाहर आकर के वहां तक पहुंचेगी। बहनों और भाइयों, विकास इसी से आगे बढ़ेगा। जैसे यहां पे शरद चौधरी ने बनाया, आपने देखा होगा कैसे उन्होंने यहां पे एकेडमी बनाई है, स्टेडियम बनाया है, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कैसे नौजवानों को तैयार होना है, ऐसे ही एकेडमी को विकसित करने के लिए सरकार के स्तर पर भी भरपूर सहयोग किया जाएगा जिससे हमारा युवा आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। आज जो एक नया चुनाव चल रहा है 2024 का, यह एक और राम भक्त हैं जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और विकसित भारत के लिए कार्य करना चाहते हैं, कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही है। बहनों और भाइयों, वे भारत का सम्मान नहीं, दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो राम भारत को अपमानित करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। दूसरी तरफ वे रामद्रोही है जिनको राम मंदिर बेकार लगता है, लेकिन आतंकवादियों पर जो मुकदमे थे उन मुकदमों को वापस लेने का काम ये करते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है। इनकी सोच तो देखो पहले। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपके पास। आज जो ये नया भारत आपको देखने को मिल रहा है, ये नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं तो विकास के साथ साथ गरीब कल्याण भी है। कोई सोचता था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा? कोई सोचता था 60 करोड़ लोग देश के अंदर
5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त करेंगे। कोई सोचता था कि बहनों और भाइयों 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोलेंगे? ये जनधन अकाउंट का लाभ क्या? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज अगर कोई गरीब बीमार होता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, अगर कोई विधायक, कोई सांसद या वह पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिख देता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरे पास उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं, तो उसके जनधन अकाउंट में हम सीधे लखनऊ से मैं पैसा भेजता हूं और कहता हूं भी निश्चिंत होकर उपचार कराओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के खाते मोदी जी ने खुलवाए हैं। पहले गरीब भूखों मरता था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पब्लिक से आवाज उठती थी कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो सरकार क्या कहती थी? अरे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। एक शब्द तो उनका मिलता था, सीमा पार के आतंकवादी हैं। और आज आतंकवाद का नेस्तनाबूत कर दिया गया। अब तो जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहन और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी क्या ये राजनीति करेगी? और इसको तो जनता जनार्दन के बीच जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता खो दी है। जब सत्ता में थे खूब लूट खसोट किए, परिवार के सिवाय किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। और पैरवी किसके करते थे? दो प्रकार के लोगों की पैरवी करते थे, या तो अपने परिवार की या आतंकवादियों की और माफिया और अपराधियों की। आप सोचो, हर बड़ा अपराधी, हर माफिया सपा का सागिर्द था कि नहीं था? था ना? आप सोचो राम भक्त, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। लेकिन अभी हाल ही में एक माफिया मरा था, उसके घर में पहुंचे थे नहीं फतिया पढ़ने के लिए, गए थे ना? अब आप सोच सकते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और राम मंदिर को बोलेंगे कि बेकार का कार्य हुआ है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला किया था, और जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हमला किया था, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी एक फाइल पे साइन किया था, इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। वो तो हाईकोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्यायपालिका ने बचा लिया, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर निकलते तो फिर विस्फोट करते, फिर हमले करते, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते। आज बहनों और भाइयों, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज आपकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर सुरक्षा में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में, किसी आम नागरिक की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो उसे मालूम है कि सेंध लगाने के पहले यमराज उसके जीवन की डोर काट करके लेके चले जाएंगे। आज उसे मालूम है कि केवल राम ललाई अयोध्या में विराजमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर कानून को हाथ में लेकर के कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे तो राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाएगी। और बहनों और भाइयों, यही कारण है ये माफिया और अपराधी अब अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे साहब एक बार जान बकस दो बस। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम आए हैं आपसे कहने के लिए। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जहां पर विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री।
देखिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए चौथे चरण का ये रण है